क्लास 10th का प्रोज द सॉक्रेटिस चल रहा था, और पहले पार्ट में हम लोगों ने यहाँ तक देखा कि सॉक्रेटिस बचपन में कैसे थे, कितने निर्धन परिवार के थे, और धीरे धीरे वो ज्ञान प्राप्त किए पढ़ लिख कर। बहुत विचारवान बालक थे बचपन से, बड़े होकर शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुए, पूरा देश उन्हें जानने लगा और उनके चेले भी बहुत सारे बन गए। प्लेटो उनका सबसे अच्छा शिष्य बना, जो आगे चल के शिक्षक के रूप में उतना ही प्रसिद्ध हुआ जितने वो थे। अब उसके आगे, बट ऑल दो मेनी पीपल लव द ओल्ड मैन एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, देयर वर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम। ही टॉट दैट मैनज ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कॉन्डक्ट मोर देन द गॉड्स। दिस सेम टू सम पीपल अ न्यू एंड विकेड आइडिया। ही सेड दैट देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स देन मेकिंग सेक्रीफाइसेस टू एथेंस एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस। एंड मैनी पीपल थॉट दैट ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड विद डाउट। बट ऑल दो मैनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, हालांकि कई लोग प्रेम करते थे उस वृद्ध आदमी से और उसके विजडम यानी बुद्धिमत्ता में आनंद पाते थे, उसकी बुद्धिमानी भरी बातों को सुनकर आनंदित होते थे। कई लोग ऐसे थे, बट देयर वर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, लेकिन ऐसे लोग भी थे जो उससे सहमत नहीं थे। ये होता ही है, अच्छी बातें बताने वाले के विरोधी भी पर्याप्त होते हैं, ये समाज का एक कड़वा सच है। तो कुछ लोग तो भाई उसको प्रेम करते थे, मानते थे सॉक्रेटिस को, लेकिन उसके विरोधी भी थे। ही टॉट दैट मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस हिज कॉन्डक्ट मोर देन द गॉड्स। उसने ये पढ़ाया लोगों को, ये सिखाया कि आदमी का अपना मन, अपना मस्तिष्क यानी अपनी सोच, आदमी का व्यवहार, चरित्र, कॉन्डक्ट यानी चरित्र या व्यवहार निर्धारित करता है अधिक रूप से देन द गॉड्स, गॉड्स के मुकाबले, ईश्वर के मुकाबले। इसके पहले क्या था कि भाई गॉड जिसको जैसा बना दे, गॉड ने ऐसा ही बनाया, गॉड ने ऐसा ही बनाया, ऐसा लोग मानते थे। उसने इसको अलग तरीके से कहा कि आप जैसा सोचेंगे, जैसी आप विचारधारा रखेंगे, वैसे बनेंगे, गॉड का इसमें ज्यादा रोल नहीं है। दिस सेम टू सम पीपल अ न्यू एंड विकेड आइडिया, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि ये तो भाई एक नया आइडिया है, नया विचार है, और विकेड दुष्टतापूर्ण विचार है। कुछ लोगों को लगा कि तो बड़ी दुष्टतापूर्ण बातें बता रहा है, कि कह रहा है गॉड का हाथ कम है भाग्य बनाने में, चरित्र बनाने में, आदमी के सोच का अधिक। ऐसे ही सेड दैट देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स देन मेकिंग सेक्रीफाइसेस टू एथीन्स एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस। गॉड सेक्रीफाइसेस टू एथेंस एंड द, तो कह रहे हैं कि हायर एंड नोबलर डीड्स और श्रेष्ठ और उच्च कोटि के कार्य हैं इस संसार में, देश में करने के लिए, देन टू मेकिंग सेक्रीफाइसेस एथेंस एंड ग्रीस। तो एथीन जो गॉड थे, ग्रीस के और भी गॉड्स थे, वहां ढेर सारे देवता, देवी देवताओं की पूजा होती थी उस समय, या पूरे विश्व में ही पहले ढेर सारे देवी देवताओं की पूजा होती ही थी। जब क्रिश्चियनिटी नहीं आई, उसके पहले ढेर सारे देवी देवताओं की पूजा होती थी, फिर इस्लाम आया, तो ये सब दोनों ही धर्म मार काट के ही फैलाए गए हैं पूरे संसार में, तो ये खत्म हुआ। इसके पहले मिस्र में भी सभ्यता, यहाँ के भी इजिप्ट, इजिप्ट यानी मिस्र की सभ्यता में भी कई देवी देवता थे, पूरे संसार में भी कई देवी देवता थे। इसीलिए जो भारतीय संस्कृति है, हिंदू संस्कृति, इसी में, इसमें भी कई देवी देवता हैं, क्योंकि प्राचीन संस्कृति अभी तक ये जीवित है, बची हुई है। बाकी कई संस्कृतियाँ इन आक्रमणकारियों ने, लुटेरों ने, हत्यारों ने, बलात्कारियों ने नष्ट कर दिया। तो खैर, वहाँ परंपरा ये थी सेक्रीफाइसेस, सेक्रीफाइस मतलब बलि देना, जैसे कि तुम लोग देखते हो कहीं कहीं अपने देश में भी लोग बलि चढ़ाते हैं, किसी ने किसी को मुर्गे की, बकरे की, या वो ये इसमें इस्लामिक में देखोगे तो वो बकरीद के दिन ढेर सारे जानवरों की बलि चढ़ाते हैं कि गॉड विल बी हैप्पी, ईश्वर प्रसन्न होगा। जबकि बड़ा बड़ा ये मूर्खतापूर्ण ये विचार ही है, ये अवधारणा ही, कि कोई यहाँ विंध्याचल में भी पहले बलि चढ़ती थी, जबकि बहुत सीधे जरा सा भी आदमी अगर तर्क शक्ति का प्रयोग करे, यार ईश्वर किसी की जान लेने के लिए कौन सा ईश्वर कहेगा, तो वो ईश्वर है कि शैतान है, राक्षस है। लेकिन लोगों की विचारधारा होती है, अभी विरोध करो तो लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि वो तर्क शक्ति का प्रयोग करते नहीं, खाना खुद है अपने स्वाद के लिए, बदनाम ईश्वर को कर रहे हो। अभी अगर ईश्वर पूरे का पूरा बकरा तुम जब काट रहे हो, ईश्वर प्रकट हो जाए, अल्लाह प्रकट हो जाए और टांग पकड़ के ले जाए, उठा के चल दे हमें काटे, कोई नहीं चढ़ाएगा। 5,000 का बकरा लेके भाग गया अल्लाह, लेके भाग गए देवी जी, लेके भाग गए देवता जी। तो ये खैर, तो खैर वो ये समझा रहे हैं सॉक्रेटिस उस समय, आज से सोचो कि 2400-2500 साल पहले ये बात कह रहे हैं, कि ये सारे जो देवी देवता, इनको जो तुम लोग बलि चढ़ाते हो,
कि बलि चढ़ाने से भी और अच्छे कार्य हैं देश में समाज में वो किए जा सकते हैं। एंड मेनी पीपल थॉट दैट ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे। तो कई लोगों ने सोचा कि नई पीढ़ी को, यंग मतलब यहाँ नई पीढ़ी को बहका रहा है, लीडिंग द यंग एस्ट्रे, नई पीढ़ी को बहका रहा है, गलत रास्ते पर ले जा रहा है। क्यों? क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैव बीन टॉट टू बिलीव, क्योंकि उन्हें जो भी चीजें सिखाई गई थी, विश्वास करो, मानते रहो, बिल्कुल लकीर के फकीर रहो, उस पर क्वेश्चन उठा रहा है एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट, और उनके मन में शंका भर रहा है। शंका भरने का उदाहरण जैसे अभी मैंने दिया, तर्क कर लो यही तो उत्तर नहीं मिलेगा किसी के पास। तो ऐसा लोगों को लगा कि अरे ये तो नई पीढ़ी को बिल्कुल बहका रहा है, पीढ़ियों से सिखाया गया ऐसे विश्वास करते रहो करते रहो करते रहो, उसमें संदेह उत्पन्न कर रहा है। द मेन हु वर गवर्निंग एथेंस समन्ड सॉक्रेटिस टू अपीयर बिफोर देम एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल। हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम टू एस्केप और टू हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, बट सॉक्रेटिस वॉज नो कॉवर्ड। He knew that he had done nothing wrong and that he had only taught what he believed to be just, true and honorable, and so he went to the court. His clothes and shoes were dusty and travel stained, but everyone knew that a noble heart beat under the shabby garments. He made a powerful and dignified speech. He told the Athenians that they would gain nothing by taking away the last few years of his life, but that he was willing to die many deaths for what he believed to be right. The men who were governing Athens summoned Socrates to appear before them and to stand in trial. जो लोग गवर्न कर रहे थे, सत्ता चला रहे थे, शासन चला रहे थे एथेंस का, उन्होंने सोक्रेटिस को समन किया। समन मतलब कानूनी रूप से बुलाना, कानूनी रूप से बुलाने को समन कहते हैं। तो बुला लिया to appear before them, उनके सामने उपस्थित हो, एंड स्टैंड हिज ट्रायल। स्टैंड हिज ट्रायल मुकदमा चलाया जा सके, मुकदमा खड़ा किया जा सके। हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम टू एस्केप और टू हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर। फ्रेंड्स ने बेग किया, निवेदन किया, भैया भाग जाओ, स्केप यानी भाग जाओ या हाइड छिप जाओ, अनटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर मतलब ये जो तूफान है ये शांत हो जाए तब तक छिप जाओ या कहीं भाग जाओ। बट सॉक्रेटिस वॉज नो कावर्ड, लेकिन सॉक्रेटिस कायर नहीं था, वह कायर नहीं था सॉक्रेटिस। ही नू दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, वो जानता था कि उसने कुछ गलत किया ही नहीं है, एंड ही हैड ओनली टॉट वॉट ही बिलीव टू बी जस्ट, ट्रू एंड ऑनरेबल, और उसने वही पढ़ाया है जिसको वो विश्वास करते थे कि जो जस्ट है, न्यायप्रिय है, ट्रू यानी सत्य है, ऑनरेबल यानी श्रेष्ठ है, सम्मानजनक है। उन्होंने जिन चीजों को ये तीनों कसौटियों पे सही पाया वही शिक्षा दी है। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, और इसलिए वो कोर्ट में चले गए, दरबार में चले गए। उस समय कोर्ट दरबार ही होता था, कचहरी सब काम दरबार में ही होता था, ऐसा कोर्ट जैसे आजकल कॉन्सेप्ट है ऐसा नहीं था। His clothes and shoes were dusty and travel stained. उसके कपड़े, उसके जूते बिल्कुल धूल से यात्रा करके पैदल आया तो बिल्कुल सने हुए थे, गंदे थे। But everyone knew that a noble heart beat under the shabby garments. लेकिन सभी लोग ये जानते थे, कोर्ट में जितने लोग उपस्थित थे उन्हें ये बात पता थी, a noble heart beat, एक सुंदर हृदय, एक श्रेष्ठ हृदय धड़क रहा था, shabby garments, उस भद्दे पोशाक के नीचे एक सुंदर हृदय धड़क रहा था, ये सभी लोग जानते थे। He made a powerful and dignified speech. उसने एक बहुत ही powerful, शक्तिशाली और उच्च कोटि का भाषण दिया। He told the Athenians that they would gain nothing by taking away the last few years of his life. उसने Athenians से कहा, Athens के लोगों से कहा कि आप लोग कुछ पाएंगे नहीं by taking away, लेकर last few years of his life. उसके जीवन के कुछ साल बचे हैं, बूढ़ा हो चुका था, तो इसको लेकर आप लोगों को कुछ मिलेगा नहीं, but He was willing to die many deaths for what he believed to be right. लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मैं डर गया और मैं आपसे जीवन की भिक्षा मांग रहा हूँ, ऐसा नहीं है। Willing to die many deaths, मैं कई बार मरने को तैयार हूँ, what he believed to be right, जिसको वो सही मानते थे, क्या जो मैं सच मानता हूँ, जो मैं सही मानता हूँ, उसके लिए मैं कई बार मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोगों को कुछ प्राप्त नहीं होगा जीवन के अंतिम कुछ साल लेकर। The judges listened to him, questioned him and condemned him to death. The old man made no complaint. He leaned on his stick, looking round the crowded courtroom. Plato and his other pupils were there in the court all the time. No evil can happen to a good man, he told them, either in life or after death, and so be of good cheer. I have to go. The hour of my departure has arrived, and we go our ways, I to die and you to live. Then the soldiers came and took him away to prison. His wife followed with his three children. Many of his favorite pupils were also with him.
फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वॉक टू हिम एंड ही टॉट देम मेनी वाइज लेसन विच दे ट्रेजर्ड इन देयर हार्ट्स बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड्स नो दैट सॉक्रेटिस वुड डाई सून दे वर सैड फॉर एज प्लेटो रोट ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ होम वी वर बींग बिरीव्ड एंड वी वर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ एज ऑफन्स. The judges listened to him, questioned him, and condemned him to death. तो जजेस ने उनकी बात सुनी, questioned him, प्रश्न पूछे, and condemned him to death. Condemned him to death, condemned to death एक फ्रेज है, इसका अर्थ होता है मृत्यु दंड देना. ये लीगल टर्म है, condemned to death यानी मृत्यु दंड देना. तो जजों ने उनकी बात सुनी, प्रश्न किया, जिरह की बहस की और उनको मृत्यु दंड दे दिया. The old man made no complaint. और बूढ़े आदमी ने कोई शिकायत, कोई विरोध नहीं किया. He leaned on his stick, अपनी छड़ी पे ऐसे झुके रहे, looking round the crowded courtroom. और courtroom बिल्कुल दरबार भरा हुआ था, भीड़ थी, उसके चारों ओर देखा. Plato and his other pupils were there in the court all the time. और Plato और उसके बाकी लोग हमेशा, शिष्य जो थे, courtroom में सदा उपस्थित रहे थे. No evil can happen to a good man, he told them. तो अपने चेलों को कहा उन्होंने, No evil can happen to a good man. एक अच्छे व्यक्ति के साथ कुछ evil यानी बुरा हो नहीं सकता, either in life or after death. चाहे इस जीवन में, चाहे मृत्यु के बाद के जीवन में, अच्छे व्यक्ति के साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता. So be of good cheer. इसीलिए आनंद में रहो, आनंद मनाओ. I have to go. मुझे जाना है, मुझे जाना होगा. The hour of my departure has arrived. मेरे departure यानी प्रस्थान, जाने का समय आ गया है. And now we go our ways. और अब हम अपने अपने रास्ते जाएंगे. I to die and you to live. मैं मृत्यु के रास्ते पर जाऊंगा और तुम लोग जीवन के रास्ते पर बढ़ोगे. तो अब हमारा रास्ता यहाँ से अलग होता है. मैं अपने रास्ते बढ़ता हूँ, तुम अपने रास्ते बढ़ो. Then the soldiers came and took him away to prison. फिर सैनिक आए और उनको prison यानी जेल के लिए ले गए, कैद खाने के लिए ले गए. His wife followed with his three children. पत्नी उनके पीछे पीछे चली अपने तीनों बच्चों को लेकर. Many of his favorite pupils were also with him. उसके कई प्यारे प्यारे शिष्य भी साथ थे. For a long time they talked him and he taught them many wise lessons which they treasured in their hearts. और लंबे समय तक वो सभी लोग उनसे बात करते रहे. एंड ही टॉट देम मेनी वाइज लेसन्स, और कई बुद्धिमत्तापूर्ण शिक्षाएं उन्होंने दी. विच दे ट्रेजर्ड इन देयर हार्ट्स, जिन्हें उन्होंने अपने हृदय में बिल्कुल खजाने की तरह संभाल के, संजो के रख लिया. बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड्स नो दैट सॉक्रेटिस वुड डाई सून. लेकिन ऑल द टाइम, सदा उसके मित्र के मन में, मित्रों के मन में ये बात थी, सॉक्रेटिस वुड डाई सून, कि सॉक्रेटिस बहुत जल्द मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे. दे वर सैड, वो सभी उदास थे. फॉर एज प्लेटो रोट, क्योंकि प्लेटो इस घटना के बारे में लिखता है. और प्लेटो ने क्या लिखा था, He was like a father of whom we were being bereaved. Bereaved यानी वंचित कर देना, दूर कर देना, बहुत दुखी कर देना. वो एक पिता के समान थे हमारे गुरुजी, हमें उनसे दूर किया जा रहा था, हमें उनसे दुखी किया जा रहा था. और we were about to pass the rest of our lives as orphans. और रेस्ट लाइफ, जो बचा हुआ जीवन था, हमें बिताना था ऑफन्स की तरह, अनाथों की तरह. यानी वो एक पिता के समान थे हम लोगों के लिए, और अब हमें बाकी का अपना जीवन बिल्कुल अनाथों की तरह बिताना था. आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप्स द जेलर केम इन एंड आस्क्ड सॉक्रेटिस टू प्रिपेयर फॉर डेथ. इन एथेंस व्हेन पीपल वर कंडेम्ड टू डाई दे वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन. सॉक्रेटिस नो दिस एंड ही नॉडेड टू द जेलर हु लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग, यू सॉक्रेटिस होम आई नो टू बी द नोबलेस्ट एंड जेंटलेस्ट एंड बेस्ट ऑफ ऑल हु एवर केम टू दिस प्लेस will not be angry with me when I ask you to drink the poison, for others and not I are the guilty cause. Bursting into tears, he went out and returned with a cup of poison. May the God prosper my journey from this to the other world, said Socrates and lifted the cup to his lips. His pupils tried to keep back their tears, but one sobbed aloud and distressed the others, and soon the room was filled with the sound of weeping. Socrates paused. With the unfinished cup of poison in his hands, what's this strange noise? He asked. I have heard that a man should die in peace. You must not cry. Be silent and have patience. He looked around, remembering something. Crito, he whispered to one of his pupils. Can you do me a favor? I owe a cock to Asclepius.
विल यू पे द डेट? इट शैल बी पेड, सेड क्रीटो. इज देयर एनीथिंग एल्स? ही वेटेड, बट देयर वॉज नो आंसर, फॉर सॉक्रेटिस द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स वॉज डेड. आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप्स, जब सूरज पेड़ की चोटियों के पीछे अस्त हो गया. सूरज अस्त जब होता है, दूर देखोगे पौधे तो पौधों के ऊपर रहता है, फिर धीरे धीरे नीचे जाता है ना, तो पेड़ चोटियों के पीछे जब छिप गया. द जेलर केम इन, तो जेलर अंदर आया. एंड आस्क्ड सॉक्रेटिस टू प्रिपेयर फॉर डेथ, और सॉक्रेटिस को कहा कि भाई मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ. इन एथेंस वन पीपल वर कंडेम्ड टू डाई, और एथेंस में जब लोगों को मृत्युदंड मिलता था, देवर गिवेन अ कप ऑफ पॉइजन, उनको एक प्याला विष दिया जाता था. उस समय की परंपरा है, तो ऐसे विष दिया जाता था. अलग अलग परंपराएं अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से रही हैं मृत्युदंड की. अभी भी अलग, जैसे इस्लामिक कंट्रीज में अब भी है, पत्थर मारना, हाथ वाथ काट देना, गर्दन देखो, आतंकवादियों के वीडियोज़ देखो तुम लोग सोशल मीडिया पे, वो गर्दन काट देते हैं अलग अलग जगह. हमारे भारत में बहुत कठोर दंड, अगर मृत्यु दंड का किसी को दिया जाता है रेयरेस्ट केसेस में, तो फांसी दी जाती है. अब पहले कई जगह विष का प्याला दिया जाता था, कई जगह पत्थर मार के मार दिया जाता था, कई जगह विषैले, मिस्र वगैरह में, इजिप्ट की सभ्यताएं प्राचीन काल में विषैले सांपों से कटवा दिया जाता था. फिर 200-300 साल पहले कई जगह बिजली के झटके से मारा जाता था. कई देशों में अब भी सिस्टम है कि पॉइजन का इंजेक्शन दे दिया जाता है. तो अलग अलग मृत्युदंड के तरीके, जिस देश में जैसी प्रथा चल रही है, जितनी सभ्यता विकसित हुई, अब सभ्य देशों में मृत्युदंड लगभग लगभग खत्म ही हो गया. हमारे देश में भी मृत्युदंड बहुत ही कम, कभी कभार 4-6 सालों में, बहुत जघन्य मामलों में, बहुत जघन्य जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर टाइप के क्राइम होते हैं, तो मृत्युदंड दिए जाते. पहले लोग असभ्य थे, अभी भी जहां असभ्यता ज़्यादा है वहां मृत्युदंड ज़्यादा है. सभ्य समाज में ऐसा नहीं होता. खैर, ये चैप्टर से रिलेटेड नहीं था, लेकिन मृत्युदंड के अलग अलग प्रकार हैं. तो सॉक्रेटिस नो दिस, सॉक्रेटिस इस बात को जानता था कि विष का प्याला मिलेगा. एंड ही नॉडेड, नॉडेड मतलब ऐसे सिर हिलाया. एंड द जेलर हु लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग, और जेलर उसको देख रहा था और सैडली उदास होकर कह रहा था, यू सॉक्रेटिस होम आई नो टू बी द नोबलेस्ट एंड जेंटलेस्ट एंड बेस्ट ऑफ ऑल हु एवर केम टू दिस प्लेस. यू सॉक्रेटिस आई नो, मैं इस बात को जानता हूँ कि आप सबसे नोबलेस्ट, सबसे श्रेष्ठ, जेंटलेस्ट, उच्च कोट के भद्र आदमी, एंड बेस्ट ऑफ ऑल हु एवर केम टू दिस प्लेस, इस स्थान पे जितने लोग अब तक आए, जितने अपराधी आए, उन सब में आप सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं. विल नॉट बी एंग्री विद मी, और आप मेरे ऊपर क्रोधित नहीं होंगे. वेन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन, जब मैं कहूँगा कि विष पीजिए, मैं ये आदेश दूंगा, तो मेरे ऊपर आप क्रोधित मत होइएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आप सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, सबसे अच्छे व्यक्ति हैं जो भी यहाँ आज तक आए हैं. बिकॉज अदर्स एंड नॉट आई आर द गिल्टी कॉज, क्योंकि इस अपराध का कारण मैं नहीं हूँ, दूसरे लोग हैं, हमारे ऊपर के अधिकारी हैं, वो इसके कारण है. मुझसे दुखी मत होइएगा, मेरे ऊपर क्रोधित मत होइएगा, आप सबसे महान व्यक्ति हैं, लेकिन मैं ये आदेश आपको दूंगा, तो मुझसे दुखी मत होइएगा. बस्टिंग इन टू टीयर्स ही वेंट आउट, और बिल्कुल फूट के रोने लगा, इतना करके बस्टिंग इन टू टीयर्स, यानी आंसू निकलने लगे, और वो बाहर चला गया जोर जोर से रोते हुए. एंड रिटर्न विद अ कप ऑफ पॉइजन, और लौटा तो एक कप ऑफ पॉइजन, एक कटोरा पॉइजन का था. मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, सेड सॉक्रेटिस एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स. तो प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर करे कि मेरी जर्नी, मेरी यात्रा इस वर्ल्ड से उस वर्ल्ड तक सुखद हो, अच्छी हो, और कह के लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स, कटोरा अपने होठों तक उठा के लगा लिया, पीने लगे. हिज पीपल्स ट्राइड टू कीप बैक देयर टीयर्स, बट वन सॉब्ड अलाउड एंड दिस डिस्ट्रेस द अदर्स. तो उनके चेलों ने कीप बैक देयर टीयर्स, आंसुओं को रोकने का बड़ा प्रयास किया, बट वन सॉब्ड अलाउड, सॉब्ड मैंने जोर से सिसकी लेके एक रो पड़ा, और एक रोते ही डिस्ट्रेस द अदर्स, इस घटना ने सबको एकदम निराश कर दिया, हताश कर दिया. एंड सून द रूम वॉज फिल्ड विद द साउंड ऑफ वीपिंग, और वो पूरा कमरा, उस कोठरी का, उस जेल की कोठरी का पूरा कमरा रोने की आवाज से भर उठा. सॉक्रेटिस पॉज्ड, सॉक्रेटिस जो विष पी रहा था वो रुक गए.
विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड्स, हाथों में वो आधा अभी कप बचा हुआ था विष का। व्हाट इज स्ट्रेंज नॉइस, ये कैसा शोर है, ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। आई हैव हर्ड दैट अ मैन शुड डाई इन पीस, मैंने सुना है कि व्यक्ति को शांति से मरने देना चाहिए, शांति में व्यक्ति को मरना चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई, तुम्हें बिल्कुल नहीं रोना चाहिए। बी साइलेंट एंड हैव पेशेंस, चुप रहो और धैर्य रखो। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा। रिमेंबरिंग समथिंग, कुछ याद करने का प्रयास किया। क्रीटो, ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज पीपल्स, अपने चेलों में से, छात्रों में से एक को फुसफुसाया। क्रीटो धीरे से बोला, कैन यू डू मी अ फेवर, कैन यू डू मी अ फेवर, मेरी एक सहायता करोगे। ये फ्रेज है, कैन यू डू मी अ फेवर, मेरी एक सहायता करेंगे। आई ओ अ कॉक टू एस्क्लेपियस, एस्क्लेपियस या एस्क्यूपिलिस, एक गॉड वहाँ के देवता। कह रहे हैं कि ये जो देवता थे, एक कॉक, कॉक यानी मुर्गा, मैंने माना हुआ है, मन्नत मानी हुई है उस देवता को, ये मुर्गा चढ़ाने के लिए मैंने मन्नत मानी, अभी जैसे पहले मैंने बताया इसी वीडियो में। विल यू पे द डेट, ये एक कर्ज है, ये एक उधार रह गया कि मैंने ये मन्नत मानी थी और पूरा नहीं कर पाया, मृत्युदंड मिल गया है। तो क्रीटोस वही कहता है कि मेरी एक सहायता करोगे, ये कर्जा है ये, विल यू पे द डेट, क्या ये कर्जा मेरा चुकाओगे। इट शैल बी पेड, सेड क्रीटो, क्रीटो ने कहा हाँ ये चुका दिया जाएगा। इज देयर एनीथिंग एल्स, क्या कोई और आदेश है, कोई और काम है। ही वेटेड, उसने प्रतीक्षा की। बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। फॉर सॉक्रेटिस द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स वॉज डेड, क्योंकि सॉक्रेटिस जो उस ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स, उस ग्रीक देश में रहने वालों में सबसे महान व्यक्ति था, वॉज डेड, तब तक वो मर चुका था। तो चैप्टर तुम लोगों का खत्म हुआ भाई यहाँ, और इतना ही प्रोज तुम्हें पढ़ना था इस साल। कोरोना के कारण दो चैप्टर तुम लोगों के कम कर दिए गए हैं। अब एक आध दो दिन के बाद तुम लोग इसका पूरा फेयर तैयार कर लो, क्वेश्चन आंसर, और फिर इसके बाद हम लोग सप्लीमेंट्री शुरू करें, और सप्लीमेंट्री समाप्त हो जाए तो फिर ग्रामर शुरुआत की जाए। तो चैप्टर बड़ा सुंदर था, ऐसा हुआ है तमाम देशों में हुआ भाई। भारत में तो हमारे ऋषि मुनि इतने बड़े विद्वान थे कि बहुत पहले से जानते थे कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन विदेशों में लोग नहीं जानते थे। जिन लोगों ने भी ऐसी बातें की प्रारंभ में, उनको बड़ा विरोध, कई लोगों को मार वार दिया गया। गैलीलियो ने भी जब ऐसे कहा, प्रारंभ में खोज किया, पढ़ोगे तो ऐसी चीज़ें मिलेंगी। ये जंगलीपन सभ्यताओं का रहा, आज सोक्रेटिस पे पूरे संसार को गर्व है, लेकिन देखो कि उसे लोगों ने मार दिया। तो कई बार इस चैप्टर को पढ़ लेना, बहुत अच्छी प्रेरणादायक बातें इसमें मिलेंगी सीखने को। धन्यवाद।